कहना चाहेंगे आज बीआईपीएल का फाइनल मैच है? बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आ रहा है और हमारे भोजपुरी समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज मनोज जी ने, रवि जी ने और दिनेश जी ने, परवेश जी ने एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट शुरू किया है जिससे भोजपुरी का उत्थान, भोजपुरी बहुत बड़े लेवल पे आ गया, सीसीएल के लेवल पे आ गया भोजपुरी। बीपीएल हो रहा है, रवि किशन जी की टीम है, दिनेश जी की टीम है और मनोज भैया की टीम है। मैं तो तीनों बड़े चाहते हैं मेरे तो, लेकिन मेरी ये चाहते कि मनोज भैया की टीम जीते और मैं चाहूँगा कि मनोज भैया की टीम जीते और विजयी हो। और सबसे पहली बात है कि बीपीएल जो शुरुआत हुई है भोजपुरी समाज के लिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग और खासकर भोजपुरी दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बात है। और क्या कहना चाहिए, फिल्मों से भी भोजपुरी से थोड़ा सा कम साउथ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली साउथ में काम टचवुड अच्छा मिल रहा है, ऊपर वाले की दया कि काम अच्छा मिला और अच्छा काम कर रहा हूँ मैं वहाँ पे, लेकिन भोजपुरी भी करना है। एक भोजपुरी फिल्म में करने जा रहा हूँ वापस, एक भोजपुरी फिल्म कर रहा हूँ और एक बहुत बड़ी हिंदी फिल्म कर रहा हूँ जो बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष आएगी, आप लोग सामने अनाउंसमेंट आएगी, तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। भोजपुरी से ही मैं ऊपर आया हूँ और भोजपुरी की वजह से साउथ की फिल्में कर रहा हूँ मैं, 9-10 फिल्में रिलीज होगी साउथ में, तो मज़ा आ रहा है और आप लोग का आशीर्वाद चाहिए कि एक भोजपुरी वापस करने जा रहा हूँ। 26 जनवरी की आ रही है, 26 जनवरी के देशवासियों को मैं अपने तमाम दर्शकों को, जो हमारे दर्शक हैं भोजपुरी के, तमाम लोगों को गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं कहता हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।